में शुक्रवार की शाम चल रहे गणेश विसर्जन के दौरान भक्तों पर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गई। इससे संतप्त भक्तों ने सड़क पर बैठकर ठिय्या आंदोलन कर दिया, जिससे विसर्जन थम गया और तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे ने तत्काल मौके पर पहुंचकर भक्तों से माफी मांगी और लाठीचार्ज करने वाले एक कर्मी को तत्काल निलंबित कर दिया, जिससे माहौल शांत हुआ और गणेश विसर्जन व्यवस्थित रूप से सम्पन्न हो सका। चंद्रपुर के इतिहास में यह पहली बार है जब गणेश विसर्जन के दौरान भक्तों पर लाठीचार्ज हुआ है। शुक्रवार की शाम 9 सितंबर को शहर में बड़े उत्साह के साथ गणेश विसर्जन जुलूस निकाला गया। इस समारोह में हजारों लोग शामिल हुए। इस बीच चंद्रपुर का राजा गणेश मंडल का चंद्रपुर राजा जुलूस सुचारू रूप से जा रहा था, लेकिन आजाद बगीचा से सटे क्षेत्र में वृक्ष की वजह से गणेश की विशाल मूर्ति को आगे ले जाने में कठिनाइयां पैदा हो गई, जिससे पुलिस ने जगह बनाते हुए पीछे की कुछ मूर्तियों को आगे निकाल दिया। इससे चंद्रपुर का राजा मंडल के भक्तों ने पुलिस प्रशासन का जमकर विरोध किया, जिस पर पुलिस ने लाठियां भांज, जिससे कई भक्तों के सिर व पांव में चोट आई है। घायलों में महिला व बच्चे भी थे। वहां से भक्त आगे तो बढ़ गए, लेकिन जटपुरा गेट के पास जाकर सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। आज चंद्रपुर च्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा अशी घटना घडली आहे की गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यावर गणेश भक्तावर पोलिसांनी विनाकारण लाठीचार्ज केला। विनाकारण मागून येणाऱ्या गणेश मूर्त्या जबरदस्ती पोलीस प्रशासन ते आमच्या समोर पाठवत होते। आम्ही त्यांना काही मूर्ती आम्ही जाऊ दिल्या आणि काही जे आखरी एक दोन मूर्त्या होत्या आम्ही म्हटलं की बाबा आम्हालाही जाऊ द्या। अशा स्थितीमध्ये त्या कार्यकर्त्यावर पोलीस प्रशासनाने लाठीचार्ज केला आणि लहान लहान मुलांना लाठीचार्ज केला, लेडीजला पण मारलं, आमच्या महिला कार्यकर्त्यांनाही मारलं आणि आमच्या या रिद्धीसिद्धीचा मूर्तीचा हात पण तोडण्यात आला। अशा स्थितीमध्ये आज आम्ही इथं धरना घेऊन बसलो आणि एस पी साहेबांनी जाहीर माफी मागितली आणि आम्ही आत्ताच्या आत्ता कारवाई करण्याकरिता आम्ही त्यांना बोललो आणि त्यांनी कारवाईचं पत्र आम्हाला दाखवलं। इथे मारणारे जे पोलीस कर्मचारी होते ते 8-10 लोक होते। फक्त आम्हाला एका कर्मचाऱ्याचं नाव माहीत पडलं, त्या एका कर्मचाऱ्याच्या नावानिशी आम्ही रिपोर्ट टाकली आहे पोलीस स्टेशनमध्ये सिटी पोलीस स्टेशनमध्ये आणि ते गुन्हा दाखल करण्यास आम्ही ते त्यांना सांगितलं। मेडिकल चेकअप होणार आहे। एस पी साहेबांनी आज जे आमच्यासमोर आणि पत्रकारासमोर जे सांगितलं की आदेश रामटेके यांना आम्ही निलंबित करीत आहोत आणि नायक साहेब यांच्या चौकशी अधिकारी नेमून CCTV फुटेज याचा पूर्ण अभ्यास करून आम्ही संबंधित पूर्ण अधिकारी असेल कर्मचारी असेल यांच्यावर आम्ही पूर्ण कारवाई करू असे आश्वासन आज त्यांनी दिलं आणि या आश्वासनाला मान देऊन आम्ही हे आंदोलन इथे समाप्त करीत आहोत। चंद्रपुर के सिटी पुलिस स्टेशन में पुलिस कांस्टेबल आदेश रामटेके के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। माहौल बिगड़ता देख पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे व SDPO सुशील कुमार नायक फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मंडल के सदस्यों से माफी मांगी और लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कांस्टेबल को केवल आधे घंटे में निलंबित कर दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ।